हॉकी में रुचि रखने वाले खेल प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। देश में पहली बार विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होने वाला है और इसकी मेजबानी झारखंड को मिली है। सभी मैच झारखंड की राजधानी रांची स्थित मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोफ स्टेडियम में खेले जाएंगे। मैच में एशिया की टॉप 6 टीमें मेजबान भारत के साथ जापान, चीन, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड भाग ले रही हैं। प्रत्येक दिन 3 मुकाबले खेले जाने हैं, जिसका शुभारंभ 27 अक्टूबर को होगा और 5 नवंबर तक चलेगा। मैच को लेकर जापान की महिला टीम आज रांची पहुंची। खिलाड़ियों का झारखंडी संस्कृति और परंपरा के अनुरूप उनका भव्य स्वागत किया गया। खिलाड़ियों को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट झारखंड हॉकी के पदाधिकारी और सिटी एसपी पहुंचे। आयोजित होने वाले इस चैंपियंस ट्रॉफी में पहले ही दिन भारत और थाईलैंड के बीच महामुकाबला 27 अक्टूबर को होगा। वहीं भारत की टीम आज यानी कि रविवार को रात 8:10 में पहुंचेगी और रांची थाईलैंड की टीम मंगलवार को रांची पहुंचेगी। के मन में बहुत खुशी है कि झारखंड में पहला ऐसा मैच हो रहा है एशियन चैंपियनशिप। एक झारखंड के लिए बहुत गर्व की बात है कि झारखंड में हो रहा है, वो भी रांची में हो रहा है। अभी जापान टीम आ रही है, शाम में 8:10 को आएगी इंडिया टीम, कल मलेशिया। अच्छा, ये जो खिलाड़ी आ रहे हैं जापान टीम, कहाँ है? बीएनआर। प्रैक्टिस सेशन भी होगा सर? हाँ, प्रैक्टिस सेशन होगा, उसकी सूचना हम लोग देंगे। पहला मुकाबला 27 अक्टूबर को जापान और मलेशिया के बीच खेला जाएगा, जबकि भारत का पहला मुकाबला 27 अक्टूबर को ही रात 8:30 से थाईलैंड के साथ होगा। झारखंड सरकार और हॉकी झारखंड ने खेल प्रेमियों के लिए फ्री एंट्री की घोषणा की है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।